गाइस, हमने लास्ट टाइम पे जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। यानी कि वाक्य के बारे में हम इससे पहले पढ़ रहे थे, और वाक्य के बारे में हमने सारी चीजें जान ली थी कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के तत्व कितने हैं, वाक्य के अंग कितने हैं, और उसके अलावा उसके जो मेन हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो भेद में से बनता है, और वो हमने सारा कुछ अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो किसी को उसमें कोई डाउट था, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो वो आप पूछ सकते हो। उसके बाद हम आज जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बता दो, किसी को भी कोई भी डाउट है अगर उसमें है, किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर किसी के कोई आंसर नहीं आ रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, अब संज्ञा से अव्यय का एक टॉपिक आता है, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये जो हमारे पास काल ये टॉपिक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा, बचपन से आप सभी जो है वो संज्ञा के टॉपिक से फेमिलियर हैं, आप जानते ही हैं संज्ञा क्या होती है। आप ऐसा सोचोगे कि इसमें क्या करने के लिए है, ठीक है? तो संज्ञा में कोई ऐसी चीज नहीं है गाइस कि मतलब आप उसको पेपर में, कई बार क्या हो जाता है कि गलतियां हो जाती है, और वो कैसे होती, क्योंकि जिस मतलब पार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है भाववाचक संज्ञा से, कि कोई शब्द है स्त्री है, आपको उसका भाववाचक संज्ञा बनानी है, मीठा है, आपको उसकी भाववाचक संज्ञा बनानी है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है, ठीक है? आप सभी को पता है कि जो भी किसी भी चीज का नाम है, चाहे वो किसी इंसान का नाम है, चाहे वो किसी पर्सन मतलब चीज का नाम है, चाहे वो किसी स्थान का नाम है, यानी कि किसी भी चीज का जो नाम है वो क्या कहलाता है, हमारे पास संज्ञा कहलाता है, ठीक है? अब दूसरी बात क्या आती है कि जो संज्ञा है, संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, किस किस आधार पर हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, ठीक है? सबसे पहला है हमारे पास व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो क्या किसी को पता है, बताइए जरा, क्या किसी को पता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पूछ रही हूं मैं, बता दीजिए। तीन है, प्रियंका कह रही है, ठीक है? तो ये तीन कौन कौन से हैं? जैसे आपके पास शब्द में व्युत्पत्ति के आधार पर आते हैं, वही आपके पास इसके भेद हो जाते हैं, ठीक है? एक रूढ़ हो गया, एक यौगिक हो गया, और तीसरा आ जाएगा आपके पास योग रूढ़। तो ये क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है गाइस? तो ये तीन आपके पास आएंगे इसके भेद। नेक्स्ट बात आती है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर गाइस वाक्य के जो है, सॉरी ये जो संज्ञा है, संज्ञा के भेद जो हैं वो पांच हो जाते हैं। जो आपने बचपन से अभी तक पढ़ी है संज्ञा वो आपके पास यहाँ पर आ जाता है। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ी है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? तो सबसे पहला आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपने जाना है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? तीसरा आपको पता है भाववाचक संज्ञा, चौथा आपके पास है समूहवाचक संज्ञा, और जो लास्ट है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये कितने हो गए हमारे पास, पांच भेद हो गए, ठीक है? ज्यादा डिटेल से हम नहीं जा रहे हैं कि ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें, तो जो आपके पास मेन मेन चीजें बनेंगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इजी होता है, इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है, ठीक है? बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई दो एग्जाम्पल बता दो फटाफट से, चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के दो एग्जाम्पल बता दो। शाबाश, फटाफट से बता दो, राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है? बिल्कुल, ये क्या हो गया हमारे पास, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। किसी स्थान का नाम भी देख ले तो दिल्ली आपके पास आ जाएगा, मंडी आपके पास आ जाएगा, शिमला आपके पास आ जाएगा, ठीक है? जातिवाचक संज्ञा हो गया, जो एक संपूर्ण जाति के बारे में बताता है, जैसे हमारे पास है पर्वत है, नदियां हैं, इसके अलावा पहाड़ है,
इसके अलावा कोई और जाति है जैसे घोड़ा है, गधा है, ठीक है, तो ये सभी क्या आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा, एक पूरी जाति का बोध करा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर पर्वत है, अब देखो पर्वत है ना, हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, सबको पर्वत बोलोगे आप, लेकिन जब एक स्पेसिफिक नाम हम दे देते हैं अरावली हिमालय, तब वो क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। वैसे ही नदियां हैं, तो जब हम नदियों के लिए नदियां बोलते हैं कि हमें वो नदी बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, मतलब देखने में इशारा करते हुए, तो नदियां बहुत अच्छी होती है, नदियों का पानी बहुत अच्छा होता है, इस तरीके के जब हम बात करते हैं तो वो जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक रिवर की बात करें, जैसे सतलुज रिवर की बात करें, यमुना की बात करें, तो वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा लास्ट में करते हैं, पहले इनको देख लेते हैं दो को। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें पूरे के पूरे समूह के बारे में बताया जाता है, जैसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन होता था, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है टीम, कोई टीम है, उसके अलावा कोई एक पूरा वर्ग है, ठीक है, चाबियों का गुच्छा है, इस तरीके के जो शब्द हैं दोस्तों, ये क्या बताते हैं हमें, समूह के बारे में बताते हैं, तो ये क्या कहलाती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, जब एक पूरा जो है वो ग्रुप आता है, ठीक है। जैसे आपके पास है परिवार है, तो परिवार कौन सी संज्ञा में आएगा, बताएंगे फटाफट से, परिवार है तो परिवार कौन सी संज्ञा के अंदर आएगा, बताइए। परिवार क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही प्रियंका, समूहवाचक संज्ञा है, कौन सी हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कर्मचारी है, तो कर्मचारी कौन सी संज्ञा में आएगा, बताइए, कर्मचारी कौन सी संज्ञा में आएगा, बताओ शाबाश फटाफट से, कर्मचारी कौन सी संज्ञा के अंदर आएगा, कर्मचारी क्या होगा, बोलिए फटाफट से आंसर। कर्मचारी भी गाइस समूहवाचक संज्ञा के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं, कर्मचारी ही बोलते हैं हम जो काम करने वाले हैं, एक स्कूल है उसमें अगर 100 लोग हैं और वो सारे जो है 100 कर्मचारी हैं, तो उनको कर्मचारी ही बोलेंगे, ठीक है। अब आती है बात द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मटेरियल नाउन, तो इसमें तीन अवस्थाएं आती हैं आपकी, एक आपको पता है ठोस अवस्था आती है, एक द्रव या फिर इसी को क्या कहते हैं, तरल अवस्था कहते हैं, और जो लास्ट है आपके पास ठोस द्रव तरल के अलावा वो आती है गैसीय अवस्था, ठीक है, ठोस तरल गैस और गैसीय अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ठोस अवस्था में आता है, जैसे आपका जो भी चीजें बनाई जाती है, द्रव्य मीन्स जिनसे कोई ना कोई चीज बनती है, चाहे वो ठोस वस्तु बन रही है, चाहे वो द्रव वस्तु बन रही है, या फिर जो भी गैसेस होगी आपकी, ठीक है, तो सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, ये सभी क्या है आपके पास, ठोस वस्तुओं के अंदर आती है। द्रव या तरल जो वस्तुएं हैं इनको क्या कहते हैं, ये कौन कौन सी है, जो भी लिक्विड चीजें हैं, जैसे आपके पास है घी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये सभी क्या कहलाती है हमारे पास, द्रव या तरल गैस, पानी भी आपके पास इसी में आएगा, ठीक है। उसके बाद गैसीय अवस्था की बात करें, CO2 हो गया, आपका O2 हो गया, ये सभी क्या है आपकी गैसीय अवस्था, यानी कि क्या हो जाएगा, द्रव्य अवस्था के अंदर ये सारी चीजें आती है, ठीक है। यहां तक सबको अच्छे से समझ आ गया। अब आपको क्या पता होना चाहिए, जो समूह भाववाचक संज्ञा है उसमें आपको कुछ क्या पता होने चाहिए, उपसर्ग पता होने, प्रत्यय पता होते हैं या उपसर्ग होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो है वो भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे सर्वनाम में आप क्या लगाओगे, प्रत्यय जोड़ोगे उनमें कुछ ना कुछ, पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ फिर बताती हूँ। तो जब आप भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो उसमें कुछ क्या लगाओगे, प्रत्यय लगाओगे, उन प्रत्यय के बाद आपके पास जो है वो भाववाचक संज्ञा को पहचानना जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है।
जैसे आपके पास है कुछ शब्द, सभी इनको नोट करेंगे। तो ये कौन कौन सी चीजों में लगाई जा सकती है? भाववाचक संज्ञा किन किन के थ्रू बनाई जा सकती है? ये आपके जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से बनाई जाती है। जैसे आई अन नोट करेंगे इनको सभी, ठीक है। अ हो गया, सभी इन प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तभी आप इनको कभी भूलोगे नहीं चीजों को। अ हो गया, आई हो गया, अन हो गया, आपा, आयत, ठीक है। अ आई अन आ आपा आयत आस आहट ई आस आहट ई इमा बड़ी ई। ये थोड़े से इसमें उपसर्ग प्रत्यय हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तात्व पन और य, तात्व पन और य, इनसे आपकी क्या बन जाएंगी? इनसे आपकी भाववाचक संज्ञा बनेगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मिठाई। तो जैसे मीठा है, मीठा से आपके पास क्या बना? मिठाई बना यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मीठा से आई, मतलब इसके लास्ट में क्या लगा है? आई लगा है, हमने वही चीज देखनी थी, ठीक है। जैसे आपके पास है चोर है, तो चोर में आप कौन सा प्रत्यय लगाएंगे कि आपके पास क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। तो चोर, पहली बात मैंने क्या बोला कि जो ये संज्ञा है वो किस चीज से बनती है? एक जातिवाचक संज्ञा से बनती है, दूसरी सर्वनाम से बनती है, तीसरी विशेषण से बनती है और चौथी क्रिया विशेषण से बनती है और क्रिया से भी बनती है, ठीक है। इससे आपकी जो है वो जाति भाववाचक संज्ञा बनती है। तो चोर है, चोर का क्या हो जाएगा? चोरी बनेगा। क्या हो जाएगा? चोर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? चोरी हो जाएगी, ठीक है। लग गया पता? इनको आपने देखना है, अब जो जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे सहायक है, पशु है, बूढ़ा है, सहायक है, पशु है, बूढ़ा है, बताओ सर इनकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सहायक है आपके पास, इसमें अगर आप ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ना, अलग अलग लगा के देखो। सहायक है, सहायक में हम अ तो नहीं लगा सकते, सहायिका हो जाएगा। सहायिका आई, सहायिकन, सहायिका है ना, सहायिका आपा, सहायिका आयत, सहायक आस, सहायक आहट, सहायकी, सहायकी मास, सखाई, ठीक है। तो इस तरीके से सहायकी ऐसे नहीं बनेगा। फिर आ जाती है बात, सहायक में ता लगा दिया तो क्या बन जाएगा आपका? सहायता बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपने जो है वो शब्दों को ढूंढना है कि कौन सा किस शब्द के साथ फिट बैठता है, और शब्द वही होते हैं जो हमने सुने रहते हैं, ठीक है। पशु है, पशु का क्या हो जाएगा? इसमें भी ता लगाएंगे, पशुता हो जाएगा। बूढ़ा है, बूढ़ा में आपा लगाएंगे, बूढ़ापा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बोलिए? प्रत्यय आपके काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जो आप लोगों को बताए? होते हैं ना। जैसे आपके पास नेक्स्ट है, हरा है, शिशु है, बताइए जरा इसमें प्रत्यय लगाकर आपके पास क्या बनेगा? हरा है और शिशु है, इसमें आप क्या प्रत्यय लगाएंगे? जैसे हरा है तो इसमें क्या लग जाएगा? बनेगा हरियाली बनेगा, ठीक है। हरा में हरियाली, शिशु का क्या हो जाएगा? शैशव हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। जैसे आपके पास है भिक्षुक शब्द, आपके सामने है भिक्षुक, कुछ जो है थोड़े से इनसे अलग भी होते हैं, नो डाउट कि आपके सारे के सारे जो है वो इसी में फिट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ जो है वो अलग अलग भी होते हैं, तो आप लोगों ने वो ध्यान रखना है कि थोड़ा सा जो है वो चेंज भी हमें देखने को मिलता है। तो मैंने आपसे पूछा था भिक्षु का क्या होगा, लघु का क्या होगा? भिक्षु लघु, देखो इसमें क लग जाएगा आपका तो क्या बन जाएगा? भिक्षुक बन जाएगा। लघु का क्या हो जाएगा?
हो जाएगा, या लघुत्व तो नहीं बनेगा, बोलो लघुता होगा, सॉरी लाघव नहीं, लघु में ता प्रत्यय लगाएंगे हम यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लघुता बन जाएगा। ठीक है, ये आपको लर्न भी होने चाहिए, खासकर ये प्रत्यय लर्न कर लो, और उसके बाद जो शब्द है इनको एक बार देख लो, एक बार पढ़ लो, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास गर्व। गर्व का क्या बनेगा, पहले ये बताओ कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? मुझे तुम पर गर्व है, तो हम ऐसे बात करते हैं, तो ये क्या है, क्या है ये बताइए फटाफट से, गर्व कौन सा आएगा? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है बोलिए? मुझे तुम पर गर्व है, ये क्या है? चलिए इसका विशेषण नहीं, सॉरी, यही बता दीजिए कि इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी, इसकी गर्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? देखिए ये क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं आप, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो इसमें शब्द आएगा ही नहीं। क्यों आप इसका नहीं समझ पा रहे हो, क्यों ये चेंज नहीं होगा? क्योंकि इसका कोई शब्द ही नहीं आएगा, तो इसमें आप लिखेंगे गर्म, लिखेंगे आप गर्म का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, तो वो बनेगी गर्मी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये शब्द आपको दिया कि आप इसको पहचान पाओ, अगर बीच में ऐसे शब्द आए तो ये हमारे पास जो है वो इसका शब्द होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सर्व शब्द का, करेंगे आप चेंज, सर्व शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, खुश शब्द की भाववाचक बनाएंगे, सर्व का क्या हो जाएगा बताएं? शाबाश, करिए कोशिश, सर्व शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सर्वस्व बनेगी, क्या बनेगी? सर्वस्व बनेगी। खुश का क्या बनेगी? खुशी बनेगी। ठीक है, मुस्कुराना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मुस्कुराना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मुस्कुराहट होगी, क्या हो जाएगी? मुस्कुराना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मुस्कुराहट हो जाएगी। ठीक है, उदार है, अपना है, अहम है, उदार है, अपना, अहम, बताइए जरा इनकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? उदार में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, वैसे ही अपना है और अहम है, उदारता, वेरी गुड, उदार में लगाएंगे ता तो बन जाएगा उदारता, अपना में लगाएंगे पन तो बन जाएगा अपनापन, अहम में लगाएंगे कार बन जाएगा अहंकार हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अपना में अपनापन और अपनत्व दोनों होती है, तो वह भी लग सकता है और पन भी लग सकता है। ठीक है, अपनापन और अपनत्व दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट है विद्वान और स्त्री शब्द की भाववाचक क्या बनेगी? विद्वान और स्त्री शब्द का की भाववाचक क्या होगी? विद्वान और स्त्री, विद्वान का क्या हो जाएगा हमारे पास? विद्वान का विद्वती, विद्वता करना है आपने, विद्वान का हो जाएगा विद्वता, और स्त्री की क्या हो जाएगी? स्त्रीत्व हो जाएगी। ठीक है, त्वा लगाने से हमारे पास क्या बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। एक है, स्वाधीन है, आलसी है, एक स्वाधीन, आलसी, बताइए जरा इनकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? एक की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? एक की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? एक एक मत सोच लेना, अब ता लगेगा एकता, स्वाधीन में ता लगेगा स्वाधीनता हो जाएगा, आलसी में या लगेगा आलस्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आलस्य, हाँ जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपके पास ईश्वर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो गाइज ईश्वर का हो जाता है ऐश्वर्य, क्या हो जाता है? ईश्वर की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? ऐश्वर्य, या फिर ईश्वरता भी हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छा, आस्तिक, इनकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी?
अच्छा की भाववाचक संज्ञा क्या हो गई आपके पास? अच्छाई हो गई। और आस्तिक की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी बताइए जरा। आप लोगों से क्वेश्चन है, आस्तिक में कौन सा लगाएंगे आप कि आपके पास भाववाचक संज्ञा बन जाएगी? आस्तिक में ता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आस्तिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आस्तिकता हो जाएगा। आस्तिक में भाववाचक संज्ञा बन जाएगी ता लगाकर। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेशन का भाववाचक संज्ञा हमने शायद पहले देख ली कि नहीं देखी, देख लेंगे अगर नहीं देखा होगा। सेशन का हो जाएगा शिशुता। तो मेन बात क्या है गाइस, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए उसी के बारे में कि हमारे पास जो है वो कौन से प्रत्यय हैं जिनको जोड़ने से हमारे पास भाववाचक संज्ञा बन जाती है। संज्ञा शब्दों में उनको जोड़ेंगे, सर्वनाम में जोड़ेंगे, विशेषण में जोड़ेंगे, क्रिया विशेषण में जोड़ेंगे, बन जाएगा वहां पर ये संज्ञा बन जाएगी। ओके ठीक है, हो गया यहां तक सभी को? कोई डाउट है तो वो बता दीजिए। अब देखो ये वाली चीज तो हो गई, आज ही हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक भी कर लेंगे इसी के साथ। संज्ञा सर्वनाम में इतने, संज्ञा में इतना ही था। सर्वनाम भी हमारा बिल्कुल छोटा सा है, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से भेद के अंदर कैसे जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बताएंगे आप मुझे कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम जो है वो क्या होता है? सर्वनाम होता है सबका नाम, इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या कहलाता है? सबका नाम। अब बात आती है कि इसके भेद कितने हैं। तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? वो होती है 11, ये पूछा जाता है। अब जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास कि कोई चीज है वो निश्चित है, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड आएगा चीजें हमारे पास निश्चित नहीं है, तो आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ है उनके बीच में संबंध, दो के बीच में, तो संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये आपके पास क्या हुए? 6 भेद हो गए आपके पास सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? 3 पुरुष हमारे पास आते हैं। इसके जो भेद है ना आगे को पुरुषवाचक सर्वनाम के, वो भी 3 है। कौन कौन से 3 भेद हैं? सबसे पहले होगा उत्तम पुरुष, सेकंड आता है आपका मध्यम पुरुष, मध्य पुरुष, और लास्ट में आता है आपका अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है जो बोलने वाला वक्ता होता है, जैसे मैं बात कर रही हूं, तो यानी कि मैं क्या हुई यहाँ पर? उत्तम पुरुष। जो हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते हैं, वही यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को कहते हैं उत्तम पुरुष। अब मैं हो गया, अब हम ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? तू हो गया, तुम हो गया, तुम्हारा हो गया, ये क्या होता है? और आप हो गया, और आपका हो गया। ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे तो आप, आपका। ठीक है, अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा? जैसे यह, ये, वह, वे, अन्य जो लोग होंगे। ठीक है, तो वो किसमें आ जाएंगे? यह, ये, वह, वे। ये बात याद रखना, ये जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आती है, लेकिन क्वेश्चन जब आपका इसमें से होगा तब आप ये वाला चीज करोगे। उसके अलावा अगर इन इन पार्ट में से क्वेश्चन होगा तो आप ये वाली करोगे। ये कब बोला जाता है? जब आपके पास क्या हो जाएगा, पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से भेद के अंदर आता है, या फिर पूछा जाएगा कि सर्वनाम के कौन से भेद के अंदर आता है। ठीक है, और इसमें जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन बनता है कि यह पेन मेरा है, तो यह जो है वो क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो चीजें निश्चित होती हैं, तो
उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम जो है, जैसे यह, ये, वह, वे, ये किसकी पहचान है? इस निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, यह कॉपी मेरी है, तो चीजें निश्चित है, यानी किसकी पहचान है? यह, ये, वह, वे। यह नजदीक की चीज के लिए, वह दूर की चीज के लिए। नजदीक की अगर ज्यादा को बताना है तो ये, दूर की ज्यादा को बताना है तो वे। जैसे यह कॉपी मेरी है, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इसकी पहचान है कुछ और कोई। जैसे मैं बोलूंगी दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, कौन आया है वो पता नहीं है, लेकिन कोई आया है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? जिसमें रिलेशन बताया गया हो, जैसे आपके पास है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है आपके पास? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिसकी का उसकी के साथ संबंध, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा का संबंध वैसा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम। जब क्या किया जाता है, सॉरी यहाँ पर प्रश्न होगा, पुरुष नहीं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न यानी कि तुम कौन हो, तुम कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निज मीन्स स्वयं के बारे में बता रहा है, जैसे आपका खुद हो गया, स्वयं हो गया, आप हो गया, ठीक है, स्वतः हो गया। ये शब्द आपको किसके लिए हेल्प करते हैं? निजवाचक सर्वनाम के लिए। जैसे मैं कहूं कि मैं यह काम खुद कर लूंगी, मैं यह काम स्वयं कर लूंगी, मैं यह काम आप कर लूंगी, आप यहाँ पर खुद के लिए यूज होता है, ठीक है, मैं यह काम स्वतः कर लूंगी, तो ये सभी किस में आते हैं? निजवाचक सर्वनाम में के अंदर आते हैं। बोलिए फटाफट से, दो टॉपिक जो हमने किए वो क्लियर हुए, और ये जो अभी हमने सर्वनाम के बारे में देखा, ये सभी को क्लियर है कि नहीं है? बोलिए फटाफट से, क्लियर है कि नहीं? ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस थोड़ा थोड़ा था कि किया हुआ होना चाहिए ये टॉपिक, ठीक है? वेरी गुड, समझ आ गया है अगर अच्छे से सबको। हाँ जी, क्या डाउट है बताइए? रजत, क्या डाउट है बताओ, जल्दी जल्दी से, डाउट क्या है? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष और निश्चयवाचक में, पुरुषवाचक का अन्य पुरुष और निश्चयवाचक में, यही है रजत। यहाँ पर पुरुषवाचक में जो मैंने आपको बोला कि आपके पास यह, वह, वे, उन्होंने, इस तरीके का एग्जाम्पल आपके पास पूछा जाएगा। अगर आपके पास पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से भेद के अंदर जो है, ये यह जो है वो कौन से भेद के अंदर आएगा, तब आप करोगे अन्य पुरुष, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से एग्जाम्पल पूछा गया है, यह कॉपी मेरी है, इसमें यह क्या है, तो आप क्या बोलोगे? निश्चयवाचक सर्वनाम है। या फिर आपको टोटल ऐसे एग्जाम्पल दिया होगा, यह कॉपी मेरी है, अंडरलाइन भी नहीं किया गया है, तो ये सर्वनाम का कौन सा भेद है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चित कॉपी की बात की गई है यहाँ पर, यह कॉपी मेरी है। बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी, ओके। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अच्छा,